So today we're going to talk about tattoo removal by laser and also tattoo cover up, both the things, and which one is more expensive, which one is less expensive, about pain in both, and which one is more good for your tattoo. So let's start our topic. This is me Ayush Balkar and welcome you back in my YouTube channel AB Tattoos. So guys, इस बार का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, आई नो दैट, बट कुछ कामों में मैं बिजी था तो इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया, बट अब से थोड़ा कंटिन्यू रहेगा वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज हम बात करने वाले हैं आपके पुराने टैटू को आपको यदि लेज़र रिमूव करना है या कवर अप करना है. समटाइम्स क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि उन्हें टैटू रिमूव कराना चाहिए या उस पर कवर अप कराना चाहिए, क्या सही होगा, किस चीज़ का रिजल्ट सही आएगा. सो उसी तरह के टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, विद एग्जांपल बात करेंगे हम टैटू किस टाइप के टैटू को कवर करना चाहिए और किस तरीके के टैटू को रिमूव करना चाहिए. पहले हम दोनों चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं. लेज़र से हम टैटू रिमूव करते हैं और कवर अप से हम टैटू रिमूव नहीं करते, उस टैटू को हम हाइड कर देते हैं बाय अनदर टैटू, ओवरलैप कर देते हैं. सो दोनों चीज़ें क्लियर हैं. पहले अब हम बात करेंगे टैटू रिमूवल लेज़र से. सो द फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल काम करता है उस टैटू रिमूवल में. सो द प्रिंसिपल इन टैटू रिमूवल इज दैट, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लेज़र जो है वो जाकर हमारे टैटू के इंक को हिट करती है, जो हमारे डर्मिस में होता है, एपिडर्मिस में होता है. उसके बाद उस जो टैटू के मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उसको ब्रेक करके हमारे ब्लड में पहुंचाती है, एंड देन टैटू हमारे एपिडर्मिस से निकलकर ब्लड में चला जाता है, एंड इट विल एक्सक्रीट आउट बाय आवर यूरिन. सो इस तरीके से टैटू रिमूव होता है. सो अब टैटू जो हमें रिमूव कराना चाहिए वो किससे कराना चाहिए, सबसे मेन क्वेश्चन है किससे कराना चाहिए, कौन टैटू रिमूव करता है, किसका काम है टैटू रिमूव करना. सो टैटू रिमूव करना जो काम है वो है एक डर्मेटोलॉजिस्ट का. डर्मेटोलॉजिस्ट मीन स्किन का डॉक्टर होता है उसका. सो जो स्किन का डॉक्टर है, जब भी आप टैटू रिमूव कराने जाएंगे तो अपने डॉक्टर का थोड़ा सा स्टडी करना, उसने थोड़ा कितना टैटू रिमूव किया हुआ है. या अभी के टाइम पर तो कुछ आर्टिस्ट भी रिमूव करते हैं, बट मैं डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करूँगा इफ़ यू गो विद द आर्टिस्ट, सो आर्टिस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो. So you have to study about it. Now the main question, the most common question that people ask, tattoo removal कितना expensive होता है. तो tattoo removal जो होता है it cost you around 1500 to 3000 for your small tattoo. In all over the India it is around 3000. So we can say 3000, and that charge also depend on your tattoo, how big it is. So it's depend on your tattoo, but yeah, for idea, a small size tattoo it will cost you 3000 for each session. Tattoo removal is a lengthy process, it is not done in a one day or a one month, it takes time. In each session you have to take at least 20 to 30 days gap. Now about pain, kitna pain hota hai tattoo removal mein. Yes, it is also a painful process, same as getting a tattoo done. Jo aapko tattoo mein pain hua hai, इट इज़ थ्री टाइम्स मोर देन योर टैटू पेन. दैट मीन ये थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल होगा एज कम्पेयर गेटिंग अ टैटू डन. बट द थिंग इज़, ये इसका जो पीरियड ऑफ टाइम है टैटू रिमूवल का, जो लेज़र का सेशन होता है, द पीरियड ऑफ टाइम इज लेस, एंड जो टैटू बनवाते हैं हम दैट इज टेक मिनिमम 2 to 3 hours. सो येस, दैट टैटू रिमूवल टेक लेस टाइम बट मोर पेन. नाउ द थिंग्स, किस टाइप के टैटू को आपको रिमूव कराना चाहिए या किस टाइप के टैटू रिमूव ज़्यादा अच्छे से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है टैटू रिमूव कराने से पहले. सो मैं कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूँ इधर. जैसे जो टैटू थोड़े से डार्क होते हैं और थोड़े से प्रॉपर होते हैं, वो टैटू बहुत ईजी रिमूव होते हैं, क्योंकि जो हमारा वेवलेंथ का लाइट है वो उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कलर्ड टैटू होते हैं that is not easily removable by laser. Yes, that color tattoo is not easily removable. हमें ऐसा लगता है कि color tattoo जो होते हैं that is looking light, but वो remove बिल्कुल भी नहीं होते हैं. laser की light का उस पर कोई भी impact नहीं पड़ता है, क्योंकि laser का जो light होता है वो color जो है laser के light को absorb ही नहीं करता है. black color is removable only. And yes, yellow color, कुछ लोगों के tattoo में yellow color होता है, बहुत कम होता है, but yeah, sometimes they take yellow or orange. तो येल्लो एंड ऑरेंज कलर पर टैटू रिमूवल मशीन का 1% भी असर नहीं होता है. एंड ऑल्सो रेड और
अदर कलर्स जो कि होते हैं, जो थोड़े लाइट कलर होते हैं, उन पर टैटू रिमूवल का कोई असर नहीं होता। ये थोड़ी सी इनसेन चीज़ है, बट यस ऐसा होता है। तो टैटू, सो कलर टैटू बनवाने से पहले आप सोचें, यदि आपको टैटू रिमूव कराना है तो कलर टैटू ना लें, ब्लैक टैटू पर ही जाएं। ब्लैक टैटू रिमूव हो सकता है, कलर टैटू रिमूव नहीं होता है। ब्लैक टैटू का लाइफ भी अच्छा होता है, ब्लैक टैटू दिखने में भी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होता है, तो ब्लैक टैटू ज़्यादा प्रेफर करें। यस, नाउ वी टॉक अबाउट सेशंस। सो टैटू रिमूवल जो है वो एक सेशन में कभी भी नहीं होता है। इफ़ योर टैटू इज वेरी स्मॉल, सो इट मे बी डन इन वन सेशन, और यदि ब्लैक कलर का है और थोड़ा सा छोटा है, लाइट है, तो मे बी डन इन वन सेशन। बट जो टैटू रिमूवल होता है, इट एटलीस्ट टेक 3 to 4 सेशंस, एंड हर एक सेशन के बीच में यू हैव टू टेक एटलीस्ट 30 days गैप फॉर हील द स्किन। एक सेशन लिया हमने, स्किन थोड़ा सा डैमेज होगा बाय लेज़र, और उसको हमें हील होने देना है, का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जब वो हील होगा, उसके बाद ही हम उसका नेक्स्ट सेशन ले सकते हैं। तो टैटू रिमूवल इज़ नॉट पॉसिबल इन अ मंथ, इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 months। सो यस, दिस इज़ ट्रू। टैटू रिमूवल की मैं ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ, बट इफ़ यू डोंट हैव प्रॉब्लम विद योर टैटू, सो यू कैन गो विद कवर अप, बिकॉज आई थिंक कवर अप इज़ मोर सॉलिड ऑप्शन, क्योंकि आपको उस टैटू के बदले में एक दूसरा टैटू मिलता है जो कि उससे अच्छा होता है, एक्सपेंसिव कम होता है, और दूसरी चीज़ है प्रॉपर कवर भी होता है। प्रॉपर टैटू रिमूवल में सिर्फ 95% तक आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि थोड़े से जो स्पॉट्स हैं या थोड़े से जो मार्क्स हैं वो रिमूव नहीं होते, वो रहते हैं। तो टैटू कवर अप मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा यदि आपको टैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टैटू रिमूव वही लोग करवाते हैं मोस्टली जिनका आर्मी या मिलिट्री जॉब वाला इशू होता है, बाकी टैटू कवर अप इज़ मोर सॉलिड ऑप्शन। सो टैटू कवर अप के मैं कुछ साइड में डाल रहा हूँ कुछ फोटोज़ और वीडियोज़। सो ये जो टैटू है जो मैंने कवर किए हैं, मेरे प्रोफाइल में भी मिल जाएंगे। मैं आखिरी में अपना प्रोफाइल का वीडियो एक अटैच करूंगा और लिंक में भी डालूंगा। सो वहां पर आपको कवर अप के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे कि किस टाइप से टैटू कवर अप होता है, किस लिमिट तक टैटू कवर अप पॉसिबल है। फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट टैटू कवर अप, उसमें भी टॉपिक है पेन। सो जो पेन होता है टैटू कवर अप में, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर फर्स्ट टाइम। जब आपने पहली बार जो टैटू बनाया है उसके ऊपर जब हम कवर अप करते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होता है फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में। एंड देन सेकंड थिंग इज़ लिमिटेशन, बिकॉज आपने कोई टैटू बनवा लिया है, अब उस पर जो कवर अप होना है वो थोड़ा सा आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। वहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाएगी, क्योंकि आर्टिस्ट अपने हिसाब से डिज़ाइन करेगा, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस होगा वो उसको कवर करना होगा। सो यस, देयर इज़ लिमिटेशन एंड द डिज़ाइन विल बी अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट, और ऐसा होना भी चाहिए, आपको आर्टिस्ट की ही सुनना चाहिए कवर अप के टाइम, बिकॉज आप अपना यदि कोई ऐसा पर्टिकुलर डिज़ाइन लेना चाहेंगे तो मे बी इट विल नॉट प्रॉपर कवर अप। सो यप, लिसन टू योर आर्टिस्ट। एंड वन मोर थिंग इज़, यदि आपका टैटू है कोई और उसको आपने कवर अप कराया और आपका कवर अप भी बिगड़ गया है, तो फिर आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं। तो उस टाइम पे आप जो सबसे अच्छा जो मुझे ऑप्शन लगता है, जो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, वो ये है कि टैटू का जो है उसका 1 या 2 सेशन लेज़र के लिए जाएं, जिससे वो जो स्मजी हुआ है वो थोड़ा सा हट जाए, उसके बाद उस पर कवर अप किया जा सकता है। बट यदि बहुत ज़्यादा स्मजी है और उस पर आप 3रा सेशन भी ले रहे हैं, ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, उसके बाद आपने कवर अप भी बिगड़ चुका है, तो फिर उसके बाद आप 3रा सेशन ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो उस पर उससे अच्छा है कि आप 1 सेशन या 2 सेशन लेज़र के ले लिए जाएं, उसके बाद उसे कवर किया जाए। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसमें आप अपना टैटू बहुत अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। सो आई थिंक गाइज, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब आप डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको अपने टैटू के लिए टैटू रिमूव कराना है या कवर अप कराना है। एंड ऑल्सो गाइज, कवर अप के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आर्टिस्ट चूज़ करें, एंड ऑल्सो लेज़र के लिए भी, बिकॉज क्या होता है समटाइम्स लेज़र बिगड़ जाता है तो टैटू एम्बॉज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड वन मोर थिंग, एम्बॉज टैटू को रिमूव करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। यदि आपका टैटू एम्बॉज है तो आपके पास कवर अप का भी ऑप्शन बचता है, क्योंकि वो रिमूव प्रॉपरली नहीं हो सकता, और कवर अप में भी आप उसका एम्बॉज तो नहीं हटा सकते, उसको कवर अप कर सकते हैं। सो जब भी आपका टैटू एम्बॉज हो, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के पास जाएं, आर्टिस्ट का सजेशन लें, इसके बाद ही कोई एक्शन लें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट, एंड डोंट स्किप द वीडियो, दिस इज़ माई प्रोफाइल, गो वॉच एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।